हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर सेमेस्टर फोर स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 11, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेंटरीज अंडर टूल्स एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फर्स्ट वील सी व्हाट इज एन इन्वेंटरी। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन about an individual through the use of an inventory form and through routine interview. Data may be used to check for students who may need counseling or specialized guidance services. तो एक तरीके का प्रोसेस बोला जा रहा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। ये सारा चीज़ एक इन्वेंटरी फॉर्म या रूटीन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद ये तय किया जाता है कि स्टूडेंट या क्लाइंट को गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं। प्रोवाइड्स अ सिंथेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल विच कैन बी यूज्ड टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ as a person, their potential strength and weaknesses, abilities, interest and needs. जब एक इन्वेंटरी फॉर्म कोई क्लाइंट भरता है, उसमें जब वो अपने बारे में सारे चीज़ें लिखने लगता है, तो एक तरीके से वो खुद को बेहतर समझने लगता है। Covers the collection, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा अबाउट पीपल और स्टूडेंट्स। ये इन्वेंटरी जो है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक, विच मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और इवेलुएशन, एंड देन सीइंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। इंडिविजुअल इन्वेंटरी फॉर्म और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शीट या इंडिविजुअल प्रोफाइल शीट इस तरीके का दिखता है, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको भरना पड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड, होम एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स कौन कौन है, हॉबीज़, इंटरेस्ट, गोल्स, वैल्यूज़ क्या है, पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स, फियर्स एंड नीड्स, educational data, schools attended, grades, co-curricular and extracurricular activities, courses taken, health data, test records. Now आप देखेंगे या आपको लगेगा कि what is the difference between cumulative records and inventories? ये बहुत ज़्यादा similar है। cumulative record एक student के लिए बनाया जाता है जो कि उसका स्कूल लाइफ तक चलता है, जब से वो एडमिशन लिया है स्कूल में तब से लेकर उसके पूरे पासिंग ईयर तक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाया जाता है। इन्वेंटरीज माइट इंक्लूड द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एज वेल। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन इन्वेंटरीज के हेल्प से मिलता है वो है, पहला इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन डेटा जो है उसका नाम, एड्रेस, बर्थ डेट, जेंडर, फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स का नाम, भाई बहन कितने हैं, उनका नाम, उनका बर्थ डेट, बर्थ ऑफ प्लेस, पेरेंट्स रिलीजन, ऑक्यूपेशन, उनका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ये सारा चीज़। देन कम्स द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ है वो आपको पता है। देन कम्स द टेस्ट रिकॉर्ड्स, बहुत सारा टेस्ट होता है लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारा में आपने कितना स्कोर किया है वो सारा भी इसमें मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, ये बेसिकली सिर्फ इंटरेस्ट
या लाइक्स और डिसलाइक्स पे बेस्ड होता है। पर्सनालिटीज इन्वेंट्रीज डिज़ाइन टू मेजर इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल रिलेशनशिप एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। तो हम लोगों का पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो जो चीज़ को इंक्लूड करके बनाया जाता है वो सारा इस इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है। नॉन टेस्ट सेल्फ इवैल्यूएटिंग रिपोर्ट, बहुत सारा टेस्ट होता है जिसको बहुत सारा ऐसा एस्पेक्ट रहता है जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। सो लाइक कोई खुद का एक्सपीरियंस उसने कहीं मेंशन किया है या ऑटोबायोग्राफी कहीं लिखा है, तो ये सारा चीज़ भी सेल्फ इवैल्यूएशन में मदद करता है। गाइडेंस एक्टिविटीज़, पहला जो रहता है स्टेप कह सकते हैं, वो होता है कि एक क्लाइंट को बोला जाता है कि क्वेश्चनेयर भरिए। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, काइंड ऑफ टेस्ट जो उनको देना पड़ता है। देन स्क्रीनिंग इंटरव्यू, वो इंटरव्यू भी फेस करता है, दैट इज़ काइंड ऑफ इंटरेक्शन। एंड लास्ट इज़ वीकली होम रूम गाइडेंस क्लास, क्योंकि यहाँ तक अब उसके प्रॉब्लम का पता चल चुका होता है। ये कैसे हेल्प करता है एक काउंसलर को, गेट टू नो द क्लाइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि एक काउंसलर का काम होता है कि बहुत अच्छी तरीके से वो क्लाइंट को समझे, तो इन्वेंटरी इस चीज़ में मदद करती है। फैसिलेट द क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जब इन्वेंटरी काउंसलर के हाथ में होता है तो एक तरीके से हेल्प करता है कि वो क्लाइंट को मदद करे कि वो अपने आप को बेहतर समझे और आगे जाके खुद का डिसीजन ले पाए। एसर्टन एप्रोप्रिएट एवेन्यूज फॉर क्लाइंट्स टू परस्यू, ऐसा कौन कौन सा रास्ता है जो एक काउंसलर चुन सकता है कि वो सलाह दे क्लाइंट को कि वो आगे कैसे अच्छे से बढ़े। डिटरमाइन द बेस्ट ऑप्शन फॉर हेल्पिंग द क्लाइंट, बहुत सारे ऑप्शंस में से उसके लिए क्लाइंट के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा वो काउंसलर इन्वेंट्रीज के हेल्प से बता सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेंट्रीज। थैंक यू एवरीवन।